हेलो डियर, एक बार फिर से आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आप सबने लास्ट वीडियो में देखा, सेंथेसिस के पहले पार्ट को, जो कि सिंपल सेंटेंस के नाम से जाना जाता था, सिंपल सेंटेंस के बारे में मैंने आपको 9 पॉइंट्स बताए थे। अब हम चल रहे हैं सेंथेसिस के नेक्स्ट पार्ट, मीन्स सेकेंड पार्ट, कंपाउंड सेंटेंस की तरफ। अब हम इस पॉइंट के अंतर्गत यह जानने का प्रयास करते हैं कि सेंथेसिस में किस तरह से हम कई सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर के एक कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण करते हैं। तो यहां पे आप जैसा कि बोर्ड पे देख रहे हो, मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, आपको एक स्क्रीनशॉट लेना है, इसके बाद अगेन एंड अगेन उसको रिवाइज करना है। तो चलिए बिना समय व्यतीत किए हम कंपाउंड सेंटेंस की तरफ चलते हैं। आज पहले वीडियो में मैं आपको उसके कुछ पॉइंट्स क्लियर कर देता हूं, उसके पश्चात बाकी सारे पॉइंट्स का नेक्स्ट वीडियो में क्लियरेंस दिया जाएगा। आइए देखते हैं। कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस को क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य। जैसे कि आप हिंदी वर्ड से भलीभांति परिचित हैं, संयुक्त वाक्य का मतलब आप समझते हो। चलिए देखते हैं कि कंपाउंड सेंटेंस दो भागों में बटा हुआ है। नंबर वन कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, नंबर टू रिलेटिव प्रोनाउंस और रिलेटिव एडवर्ब्स। अब दोनों का मतलब आपको समझना है। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, जैसे कि आप फ्रेज और क्लॉज, मेरे पहले वीडियो में आपने देखा होगा कि फ्रेज और क्लॉज के बारे में मैंने डिटेल में आपको बताया था। तो फ्रेज और क्लॉज से ही रिलेटेड आपका ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, जिसमें कि क्लॉज के बारे में मैंने आपको बताया था, प्रिंसिपल क्लॉज, सबॉर्डिनेट क्लॉज, सबॉर्डिनेट के अंतर्गत आता है कोऑर्डिनेट कंजक्शंस। अंडरस्टूड? तो हम यहां पे थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं कि कंपाउंड सेंटेंस के दो प्रारूप हैं जानने के। पहला प्रारूप के अंतर्गत हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के थ्रू अपने सेंटेंसेस को जोड़ेंगे, जिनमें की चार पॉइंट दिया गया है, और दूसरा आपका पॉइंट है रिलेटिव प्रोनाउंस या रिलेटिव एडवर्ब्स। इसके माध्यम से हम कई साधारण वाक्यों को मिलाकर एक संयुक्त वाक्य बनाएंगे। ये बहुत छोटा सा है, इसका पॉइंट मैंने जैसे कि यहां रेड कलर में लिखा हुआ है, बाकी ये जो है वो दोनों का मिश्रण करके लिखा हुआ है। तो चलिए सबसे पहले हम उस पॉइंट को समझने का प्रयास करते हैं कि क्या बताया जा रहा है जो कि इन दोनों से रिलेटेड है। तो सबसे पहले आगे हम जानने का प्रयास करते हैं कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन चार भागों में बांटा गया है। पहला है आपका जो है वो क्या दिखा रहा है? कम्युलेटिव कंजक्शन। कौन सा दिखा रहा है? कम्युलेटिव कंजक्शन। कम्युलेटिव कंजक्शन क्या होता है? जिसको हिंदी में कहते हैं वृद्धि कारक। वृद्धि कारक मतलब होता है धनात्मक। क्या होता है? धनात्मक, अर्थात ये एडिशन को बतलाता है। किसको बतलाता है? एडिशन, जोड़ को बताता है, ठीक है। अर्थात जिस सेंटेंस में को पढ़ने के पश्चात हमको ऐसा लगे कि यह आगे जोड़ने के बारे में हमको बता रहा है, वह कम्युलेटिव कंजक्शन कहलाता है। अंडरस्टूड? जिसमें कि मैं यहां पे पॉइंट्स दिया हूं कि वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो कि जोड़ बता रहे हैं। जैसे एंड, एंड मतलब क्या होता है? और मतलब प्लस। दूसरा है बोथ डॉट डॉट एंड, मतलब बोथ दोनों डॉट डॉट राम श्याम मान लो, या कोई एक्स वाई जेड, एंड और एक व्यक्ति है, अर्थात देयर इज आल्सो एडिशन, एज वेल एज ये भी आपको प्लस बता रहा है कि मतलब जोड़ बता रहा है कि एज वेल एज ऐसा होता, सो एंड शो, नॉट ओनली बट आल्सो, यह भी यह आपका क्या बता रहा है? जोड़, मीन्स धनात्मक पॉइंट्स को शो कर रहा है। तो यहां पे डियर क्या बताया जा रहा है कि एंड, बोथ एंड, एज वेल एज, नॉट ओनली बट आल्सो, ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो कंजक्शन है वो क्या कहलाते हैं? कम्युलेटिव कंजक्शन, अर्थात वृद्धि कारक संयोजक क्रिया कहलाते हैं, जो कि
एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में जोड़ते हैं, यानी बात को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट बी नंबर में देखिए, एडवर्सेटिव कंजक्शन। एडवर्सेटिव कंजक्शन में क्या बताया जा रहा है? विरोध सूचक। विरोध सूचक मतलब होता है जो आपके अपोजिट में हो, जो आपके अगेंस्ट में हो, ठीक है, विरोध बताने वाले चीज बातें यहां पे। अब विरोध का मतलब क्या होता है? जो ठीक विपरीत दिशा में जाए, जैसे कि बट मींस लेकिन, एक मतलब फिर भी, स्टिल एडेप्ट नेवरथलेस कभी नहीं, व्हाइल जबकि, व्हेनेवर जब कभी, हाउएवर कभी। मींस कहने का मतलब यहां पे ये जितने वर्ड्स हैं, ये जितने पॉइंट्स दिए गए हैं, ये सब विरोध बताने वाले कंजक्शन हैं। इनका यूजेस हम अलग अलग टॉपिक पे करेंगे। अभी आपको क्या एक स्क्रीनशॉट लेके रखना है और ये आपको ध्यान में रखना है कि क्यूमुलेटिव में, एडवर्सेटिव में, अल्टरनेटिव, एलेटिव में कौन कौन से कंजक्शन आते हैं और ये सारी कंजक्शन क्या बताते हैं। जैसे कि आपका सब लोगों के साथ, समाज में विद्यमान जितने भी लोग हैं उन सबसे आपका क्या संबंध है, सबके साथ अलग अलग है, इन द सेम वे उसी तरह से यहां पे भी ये पॉइंट बताया जा रहा है। नेक्स्ट है आपका अल्टरनेटिव। क्या है अल्टरनेटिव कंजक्शन? तो अल्टरनेटिव कंजक्शन का मतलब होता है वियोजक विकल्प। वियोजक, वियोजक मतलब विकल्प बताने वाला, विकल्प मतलब चुनाव, ये वाला लू या वो वाला लू, जैसे ये वाली शर्ट मुझे पसंद है या वो वाली शर्ट पसंद है, चाहे इसको ले लो चाहे उसको ले लो, मतलब देयर इज ऑप्शन। अंडरस्टूड विकल्प जो बताता है, जैसे आइदर आर, नाइदर नॉर, अदरवाइज एल्स, ये आपका जो है वो क्या बता रहा है यहां पे, वो आपका विकल्प बता रहा है। नेक्स्ट इलेटिव कंजक्शन जो कि परिणाम सूचक है। इलेटिव मतलब परिणाम सूचक, जो कि परिणाम बताता है, क्या बताता है परिणाम। अब परिणाम में क्या है, जैसे देयरफॉर इसलिए, अगर मैं पढ़ा होता तो पास हो जाता, मैं पढ़ा इसलिए पास हो गया, तो वहां पे परिणाम हुआ ना, एक दूसरे का रिजल्ट बता रहा है। तो देयरफॉर, हेंस, शो, देन, फॉर, ये आपका क्या है परिणाम बताने वाले कंजक्शन है। तो डियर, जैसा कि आपने कंपाउंड सेंटेंस के पहले पॉइंट को ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में देखा, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में ये चार हैं। इन चारों में जो कंजक्शन यूज किए गए हैं, इनका अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है, जो इसका कि हम ऑलरेडी आपको क्लॉज में बता चुके हैं अपने पहले वीडियो में। चलिए अब देखते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस क्या कहता है। रिलेटिव प्रोनाउंस या रिलेटिव एडवर्ब्स कौन से हैं? जो कंटिन्यूएशन सेंस की स्थिति में नियमानुसार क्या होता है कि रिलेटिव प्रोनाउंस वो होते हैं जिस वाक्य में हमें क्या मिलता है, कंटिन्यूएशन सेंस, मतलब ऐसी स्थिति हमको जागृत मिलती है कि जिसमें कि वह कार्य जारी है, कंटिन्यूएशन मिल रहा है, समझाइएगा, कार्य का जारी रहना पाया जाता है जिस वाक्य में ऐसा भाव पैदा होता है, तो ऐसी स्थिति में उसमें नियमानुसार हम क्या लगा सकते हैं, हु, विच या वेयर। जबकि डियर मैं आपको बता दूं, यहां पे कंफ्यूजन वाली बात है, कंफ्यूजन वाली बात ये है कि ये जितने भी डब्ल्यू एच, कौन, जितने भी डब्ल्यू एच आपके वर्ड आते हैं, कौन कौन से डब्ल्यू एच, ये सारे डब्ल्यू एच वाले क्वेश्चन वर्ड वो ऑलरेडी आपको मिलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। किसमें? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। बट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आने का अलग प्रावधान है जो कि बताया जाएगा, बट यहां पे क्यों कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वाला डब्ल्यू एच वाला आया, जो कि कंपाउंड क्लोज के बारे में बता रहा है, जानते हो, क्योंकि उसमें कंटिन्यूएशन पाया जा रहा है। कंटिन्यूएशन अगर ना होता तो ये डब्ल्यू एच वाले में आते, अर्थात तब रिलेटिव प्रोनाउंस या रिलेटिव एडवर्ब्स के माध्यम से कंपाउंड सेंटेंस ना बनता, समझ गए ना। तो इसकी वजह से यहां पे इनका प्रयोग किया गया है, अदरवाइज इनका प्रयोग कहां किया जाता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। ओके, चलिए अब ये जो पॉइंट आपको मैं बताने चल रहा हूं, ये दोनों के लिए इंक्लूड है। क्या होता है कि इन वाक्यों में किस प्रकार का संबंध है, धनात्मक, ऋणात्मक, विरोधात्मक, विकल्पात्मक या परिणाम सूचक, अर्थात इन चारों में से कौन सा भाव पैदा हो रहा है। पहले तो दोनों सेंटेंस को आप पढ़िए और पता लगाइए कि इनमें कौन सा भाव आ रहा है, अर्थात इन चारों में से कौन सा भाव प्रकट हो रहा है। ओके,
उसके बाद क्या कर रहा है, अर्थ जानकर उसकी मांग के अनुसार उचित कंजक्शन का चयन कंपाउंड सेंटेंस में परिवर्तित करते हैं। अर्थात कहने का मतलब आपको इन चारों पॉइंट को ध्यान देना है कि सेंटेंस जो दोनों सेंटेंस हमारे सिंपल सेंटेंस में आए हुए हैं वो दोनों सेंटेंस में ये चारों में से कौन सा पॉइंट वहां पे रिप्रेजेंट हो रहा है, उसके अनुसार उसको सोच समझ करके तब उसके अनुसार यानी उसकी मांग के अनुसार यहाँ पे हमें क्या करना है, मांग के अनुसार जैसे कि यहाँ लिखा गया है तो उस मांग के अनुसार हमको इनमें से चुन करके उस कंजक्शन का प्रयोग करना है, तब जाकर के वो क्या बनेगा, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के द्वारा बनाया हुआ कंपाउंड सेंटेंस बनेगा। समझ में आया? ओके, अब अगला पॉइंट यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो रिलेटिव प्रोनाउंस है तो रिलेटिव प्रोनाउंस में ध्यान आपको ये देना है कि अगर वहां कॉन्जुगेशन का भाव है सेंस है तभी इस रिलेटिव एडवर्ब्स या रिलेटिव प्रोनाउंस का यूज किया जाएगा। बहुत ही इजी है। अब हम आपको अगले वीडियो में कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के पहले पॉइंट के बारे में बताएंगे।